ये आगाज है उस अंजाम का जिसका इंतजार टीम इंडिया 12 वर्षों से कर रही है। विगल बच चुका है, अब विश्व कप का शुभारंभ होगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अपने मिशन की शुरुआत टीम इंडिया ने जीत के साथ की। भारत ने 5 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की हवा निकाल दी। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे जडेजा के जादू से लेकर भारत के संकट मोचन बने विराट कोहली और केएल राहुल, उनकी क्लासिक इनिंग की खासियत भी आपको बताएंगे। इस जीत से कैसे पाकिस्तान को लगी आग। आपको बताते कि चेन्नई के एम एस चिदम्बरम स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और भारत को 200 रन का टारगेट दिया, जिसके जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही और पलक झपकते ही महज 2 रन पर भारत के 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में नजर आए। इसके बाद हमेशा की तरह टीम इंडिया के लिए संकट मोचक बने किंग कोहली और उनका साथिया केएल राहुल ने। दोनों ने मिलकर 165 रनों की साझेदारी कर भारत की जीत पक्की कर दी। विराट ने 85 रन और राहुल ने नाबाद 97 रन बनाए। राहुल ने 6 लगाकर भारत को रॉयल अंदाज में जीत दिला दी। जडेजा की फिरकी में फंसे कंगारू। भारत के टॉप ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को चेन्नई की एम चिदम्बरम स्टेडियम काफी रास आती है और ये बात उन्होंने 2 ओवर में 3 विकेट लेकर साबित कर दी। जडेजा ने स्मिथ, कैरी और लाबुशेन को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ी। ऑस्ट्रेलिया इस झटके से उभर नहीं पाई। नतीजा ये रहा कि कंगारू टीम महज 199 रनों पर सिमट गई। वहीं दूसरी तरफ इतने कम लक्ष्य का पीछा करने उतरे टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने गोल्डन डक की झड़ी लगा दी। कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर तीनों ने खाते तक नहीं खोल पाए। नतीजा ये रहा कि टीम इंडिया महज 2 रन पर अपने 3 बड़े बल्लेबाज गंवा चुकी थी। फिर कोहली और राहुल ने न सिर्फ जिम्मेदारी संभाली बल्कि टीम इंडिया की विश्व कप की पहली जीत पर मोहर लगा दी। बहरहाल भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच से पहले भारत को मिली जीत पाकिस्तान को चुभ रही है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शोएब अख्तर हो या शाहिद अफरीदी, तमाम पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। यही कारण है कि पाकिस्तान को भारत से हार का डर सता रहा है, क्योंकि बाबर एंड कंपनी एशिया कप के बाद भारत के सामने एक और हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसका खामियाजा पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में भुगतना पड़ सकता है।